जैसा कि आप लोगों को पता है, जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल जो भर्ती परीक्षा लीक हुई थी, उसमें हमारी 433 नंबर FIR जो सिटी थाने में दर्ज है, उसकी SIT जांच कर रही है। उस SIT में CIA 1, CIA 2, DSP और अन्य लोगों की एक टीम है, जिसमें हमने पहले भी आपको ब्रीफिंग दी थी कि कैसे की लीक हुई, कहाँ से, और हम जो हमारी चेन थी वो राजकुमार तक पहुँची थी। आज मैं आपको जो स्टार्टिंग है, जहाँ से ये लीक हुई और कैसे ये नीचे तक पहुँची, उस बारे में क्रम अनुसार आपको बताऊँगा। जो हमारी जांच में अभी तक आया है, इस रिक्रूटमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो जम्मू के एक कंपनी के पास था, जिसके पास जिम्मेदारी थी इसके पेपर सेटिंग की और प्रिंटिंग की। वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं, दो एम्प्लॉयज़ हैं, राकेश कुमार और जितेंद्र। राकेश कुमार वहाँ का मैनेजर टाइप है, जो वहाँ का पूरा ओवरऑल एक तरीके से देखता है, और जितेंद्र प्रिंटिंग सेक्शन में काम करता है। जो भी इनका प्रोसीजर रहा, उसके बाद इनकी जो की फॉर्म हुई, क्वेश्चन पेपर इनका फॉर्म हुआ, वो राकेश कुमार ने एक पेन ड्राइव थी जो प्रिंटिंग के लिए उसने रखी थी, वो जितेंद्र के हाथ लगी। जितेंद्र ने उसमें प्रिंट आउट उसको निकाल लिया, और 2 अगस्त को, ये 31 जुलाई को जितेंद्र के हाथ लगी थी जो अभी तक हमारी जांच में आया है, और 2 अगस्त को उसने उसका प्रिंट आउट निकाल के, जिसमें चारों सेट थे और उनकी आंसर की थी, प्रिंट आउट निकाल के उसकी हार्ड कॉपी अपने पास घर में वहीं जम्मू में रख ली। अब जो जितेंद्र है, उसका वो लगातार टच में था एक व्यक्ति के, जिसका नाम है मुजफ्फर अहमद खान। मुजफ्फर अहमद खान भी इसी कंपनी में पहले कार्य करता था, उसको 1-1.5 साल पहले निकाल दिया गया था, और वह लगातार जितेंद्र के टच में था। वह पूछता रहता था कि क्या, कौन सी भर्ती प्रक्रिया या कुछ भी चल रही है, तो वो उसके जरिए उसको पता चल गया कि हरियाणा की ये भर्ती प्रक्रिया है, इसके लिए ये कंपनी काम कर रही है। तो उससे उसकी बात हुई, उसने जितेंद्र को लालच दिया, तो जितेंद्र और उनकी जो सेटिंग हुई, उसमें ये रहा कि हम एक पेपर 1.5 लाख पर पेपर के हिसाब से वो उसको देगा, यानी कि कुल 6 लाख रुपए में जितेंद्र मुजफ्फर अहमद खान को वो पेपर्स देगा। जैसा कि तय हुआ था, 2 अगस्त को उसने हार्ड कॉपी बनाकर अपने घर पर रख ली थी। उसके बाद जो इनकी टीम थी पेपर कराने के लिए, ये चंडीगढ़ जो भी है, इनकी जो भी प्रोसीजर्स थे उनको फुलफिल करने के लिए, खुद जितेंद्र भी इधर आ गया था। उसके बाद मुजफ्फर अहमद खान का इसको फ़ोन आता है कि पेपर्स के लिए, तो ये इसको बता देता है और अपने घर पे उसको बता देता है कि घर से वो ले जाए। वहाँ से मुजफ्फर अहमद खान उस की और जो पेपर्स हैं उनको ले जाता है। उसके बाद क्योंकि मुजफ्फर अहमद खान का कोई कांटेक्ट नहीं था आगे हरियाणा में कि किस प्रकार से इसकी को जो कैंडिडेट्स हैं उनको बेचा जाए या पहुंचाया जाए, वो अपने एक जानकार है एजाज, उससे टच में आता है, उसको बोलता है। और एजाज जो है, एजाज एक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है वहाँ पर जम्मू, वहाँ वहीं पे काम करता है गवर्नमेंट सर्विस में। एजाज टच में होता है अफजल के। अफजल वही व्यक्ति है जिसको नज़ीर ने राजकुमार से मिलवाया था, नज़ीर जो हम पहले गिरफ़्तार कर चुके हैं। नज़ीर और जो राजकुमार हैं, ये पहले से एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि राजकुमार पहले रोहतक में एक एकेडमी चलाता था, जिसमें वो जो बीएड के स्टूडेंट्स होते हैं, ETT कोर्स होता था श्रीनगर वगैरह में, उसमें ये कैंडिडेट्स पहुंचाते थे नज़ीर के ज़रिए। और अफजल भी यूनिवर्सिटी में काम करता था और उसका खुद का भी एक बीएड कॉलेज था, तो ये सभी पहले से एक दूसरे को जानते थे। तो जब ये पेपर लीक की योजना जब बनी, तो अफजल ने दोबारा से राजकुमार को कांटेक्ट किया कि मैं पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आपका कोई आगे कांटेक्ट है तो आप बात कर लो। तो जैसा कि मैंने बताया, फिर एजाज से 5 अगस्त को एयरपोर्ट पे मुजफ्फर अहमद खान ने वो की एजाज को दी, उसी वक्त वहाँ पर अफजल आ गया और उसने वो की अफजल को पकड़ा दी। इनकी जो डील हुई थी अफजल की और एजाज की, ये 60 लाख रुपए में हुई थी। इनका ये था कि हम, जो भी अफजल ने कहा कि मैं आगे भेज दूँगा, 60 लाख रुपए
मैं दूंगा और वो हम 50-50, 60 लाख रुपए आएंगे, 50-50 बांट लेंगे, इस प्रकार की इनकी बातचीत हुई थी। उसके बाद अफजल उस की को लेकर 5 तारीख को जम्मू से फ्लाइट पकड़कर दिल्ली आ जाता है। दिल्ली आकर और वो की 5 अगस्त की शाम को राजकुमार वहाँ पर आता है और वो उसको दे देता है।